अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ वायरस। आज हम स्टडी करेंगे कि वायरस क्या होता है, उसकी क्या उसकी नेचर है, क्या उसका जीनोम है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि ओल्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी। पहले साइंटिस्ट या जो वायरस को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने पहले इस पर क्या रिसर्च की, उन्हें क्या पता चला कि वायरस क्या होता है। फर्स्ट उन्होंने पहले जो ओल्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये कहा कि वायरस इज़ अ डिज़ीज़ काजिंग पॉइजनस सब्सटेंस, यानी कि वायरस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि पॉइजनस सब्सटेंस है, जो कि क्या करती है, डिज़ीज़ काज करती है। लेटर ऑन जब इस पर फर्दर स्टडीज़ की गई, ठीक है, फिर हमें पता चला कि वायरस एक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी है। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी से क्या मुराद, यानी कि इसके पास ईदर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। अगर वायरस के पास आरएनए है तो वो उसके पास डीएनए नहीं होगा, अगर डीएनए है तो उसके पास वायरस के पास आरएनए नहीं होगा। नॉन सेलुलर है, इन्फेक्शियस एंटिटी यानी कि इन्फेक्शियस सब्सटेंस है जो कि इन्फेक्शन यानी कि डिजीज़ काज करती है। लैक बायोसिंथेटिक मशीनरी, इसके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। इस बात का क्या मीन है? इसका ये मीन है कि वायरस का आपको पता है ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं होस्ट पे। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, ठीक है, क्योंकि वायरस इज़ नथिंग विदाउट होस्ट, क्योंकि ये होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, होस्ट के अंदर उससे शेल्टर ले रहे होते हैं, एज अ रिजल्ट उसे डिजीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड ऑन होस्ट, सो इनके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बना रहे होते हैं। आगे आता है वायरस इज़ नथिंग विदाउट होस्ट, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं होता, अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट। वायरस कैन ईजीली स्प्रेड, वायरस जो है वो बहुत जल्दी आसानी से फैल जाता है, क्योंकि आप आगे एक टॉपिक आता है हमारा, आता है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो वायरस होता है ये एट अ टाइम 100 to 200 कॉपीज़ बनाता है, ठीक है। तो इट्स मीन डैट वायरस कैन ईजीली स्प्रेड। टुडे पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें कोरोना की सिचुएशन है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वायरस जो है वो कितनी तेज़ी से वो फैलता है। सो वायरस कैन ईजीली स्प्रेड। अगला हम टॉपिक कवर करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। पीछे हमने पढ़ लिया वायरस क्या होता है, वायरस हमने पढ़ा कि इंट्रा सेलुलर ओप्लिकेट पैरासाइट है, ये हम आगे करेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। हमने पीछे पढ़ा नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी है, इसके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इजीली स्प्रेड करता है, इसके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, होस्ट पर टोटली डिपेंड कर रहा होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वायरस की क्या क्या खसूसियात हैं। नंबर वन पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व थ्रू इट। इसका क्या मीन है कि वायरस जो है वो इतना स्मॉलर है कि हम उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा उसको नहीं देख सकते, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे होते हैं उनसे भी नहीं देख सकते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, क्योंकि उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इतनी होती है कि हम उसको वायरस को ऑब्जर्व कर सकें। दूसरा हम इसके बात करते हैं इसके साइज़ पर, दो तरह के साइज़ होते हैं। अगर हम बात करें बड़े वायरस की तो 250 नैनोमीटर, नैनोमीन यानी कि 9 पावर होती है ना बेस 10 की, तो 250 नैनोमीटर इज़ अ बिग
वायरस, अगर कोई बड़ा वायरस है तो उसका साइज़ होगा 250 नैनोमीटर, जैसे कि हमारे पास पॉक्स वायरस आ जाता है। स्मॉल वायरस के अगर हम स्मॉल साइज़ की बात करें तो 220 नैनोमीटर, जो कि हमारे पास पैरवो वायरस आ जाता है। आर्टिफिशियल मीडिया नॉट ग्रोन, इसका क्या मीनिंग हुआ? वायरस कैन नेवर बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम वायरस को आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते, हम उसको खुद से सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, दे डू नॉट हैव देयर ओन बायोसिंथेटिक मशीनरी। आगे हम एक पॉइंट आता है वेक्टर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की आपने टेक्निक आई थिंक सो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उस टेक्निक में, वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। वायरसेस आर वेरी हार्मफुल देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो वायरसेस के मुकाबले में लेस हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल। क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि इनके लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम नहीं करती। इनके लिए ये होता है कि वैक्सीनेशन करवाई जाती है, इम्यूनाइजेशन करवाई जाती है। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं इसको एडअप कर देती हूँ, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का आपको पता है, वायरस के जो अगेंस्ट वैक्सीनेशन आती है वो इंट्रोड्यूस्ड करवाई थी एडवर्ड जेनर ने। इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, वी का डेड फॉर्म ऑफ ए वायरस जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और इसको कहते हैं वैक्सीन। और इस प्रोसेस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनाइजेशन एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर। सो यहाँ पे ये पॉइंट भी कवर हो जाता है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, कि आपका वैसे भी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें भी आई थिंक सो इंक्लूड है। उसके बाद वायरसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बिकॉज ये मैन टू मैन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कर रहा होता है, ये बहुत जल्दी फैल जाता है। और इसका जो है ट्रीटमेंट, जिसे अभी कोरोना पेंडेमिक है, वैसे देखें इसकी वैक्सीनेशन कितनी इतनी जल्दी नहीं आई, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि कितना ये हार्मफुल रहा है इस टाइम पे। अभी तो इसकी वैक्सीनेशन है लेकिन जब नहीं थी तो कितना ज़्यादा हार्मफुल था। रिप्रोड्यूस्ड ओनली ऑन होस्ट, ये होस्ट के अंदर ही वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। और किस प्रोसेस के ज़रिए करता है? रेप्लिकेशन के। क्यों? रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है आइडेंटिकल कॉपीज़ बनना, यानी कि वायरस अपनी कॉपीज़ बनाता है। मैंने पहले भी पॉइंट कवर किया है कि वायरस की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है वो नहीं होती, ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है होस्ट पे, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे। सो वायरस ओनली रिप्रोड्यूस इन ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस होता है? रेप्लिकेशन, यानी कि कॉपीज़ बनना, राइट। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि वायरसेस आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका क्या मीनिंग हुआ? इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, आपने, मैंने शायद पहले कवर किया है ये पॉइंट कि वायरसेस आर लाइक पैरासाइट्स, जिनको क्या चाहिए होता है, सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। किसके सेल के अंदर? होस्ट के सेल के अंदर। और उसको, उससे शेल्टर ले रहे होते हैं और एज अ रिज़ल्ट उसको हार्म कर रहे होते हैं। डोंट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी, ऑलरेडी पॉइंट कवर हो चुका है कि जीनोम की अगर हम बात करें तो डीएनए और आरएनए। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस शो करते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर उनसे हमें कोई डिजीज़ काज होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, तो हम उसको इजीली एंटीबायोटिक्स के साथ कवर रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर वायरस से कोई डिजीज़, वायरल डिजीज़ हो जाती है, तो हम उसको वैक्सीनेशन से कवर करते हैं, रिकवर होती है वो, ना कि एंटीबायोटिक्स से। सो यह था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी
चीज़ की समझ नहीं आई, सो वो इजीली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प आउट करूँगी उसका ये वायरसेस और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी फर्स्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन है या सेकंड ईयर का। सो आई विल ट्राई कि मैं उसको कवर करूँ। सो लास्ट पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी न्यू से न्यू वीडियोस भी पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।